अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे फ्राइड राइस, जिसके लिए हमें आधा किलो चावल लगेंगे। हमने ये आधा किलो चावल लिया है, इसे हमने आधा घंटा भिगोकर रख दिया था। आधा घंटा भिगाया हमने इसे इस तरह से। आप चाहे तो आप जो भी चावल इस्तेमाल करते हैं आप रोस्ट के लिए, वो भी चावल ले सकते हैं। तो इसे हम नमक डाल के बिल्कुल अपने सादे चावल जिस तरह बनाते हैं उस तरह से बॉईल करके इसे छान कर निथार कर रख देंगे। और आधा किलो चावल के हिसाब से हमने 2 टेबलस्पून लहसुन लगेगा हमें, 3-4 हरी मिर्चियाँ टेस्ट के हिसाब से आप कम ज़्यादा ले सकते हैं, और तंदूरी मसाला जो हम चिकन में लगाने वाले हैं, और 1 कप भर के हमने गाजर खींच लिया है इस तरह से बारीक, और 1 कप हमने शिमला मिर्ची तरह पतली स्लाइस में काट लिया है लंबे लंबे, और 1 कप हमने पत्ता गोभी लिया है। हम इसमें अंडे और चिकन ज़्यादा डाल रहे हैं इसलिए हम सब्ज़ी कम डाल रहे हैं, और हरी प्याज के साथ की सामने की प्याज हमने ये दोनों 1 कप भर के लिया है, और 3 अंडे लगेंगे हमें, और 100 ग्राम हमने चिकन लिया है, इसे इस तरह से छोटे क्यूब्स में काट लिया है। इसमें हम लहसुन खिस के और ये तंदूरी मसाला और काली मिर्ची, नमक, सोया सॉस और विनेगर डाल के इसे पहले फ्राई कर देंगे। इसे और अंडों को फेंट कर फ्राई कर लेंगे। फिर उसमें चिकन में हम फिर स्मोक की खुशबू देंगे, जैसे हमने मंदी के चिकन में दिया था। तो और ये 1/2 कप हमने फ्रेश बटाने लिया है, आप चाहे तो नहीं भी ले सकते हैं, हमारे पास थे तो हमने लिया है। इसे हम चावल के साथ ही बॉईल कर लेंगे ताकि हमारे बटाने अच्छे से गल जाएं, और तेल हम जितना हमें लगेगा उतना ही डालेंगे, और सोया सॉस और विनेगर लगेगा हमें। तो हम चावल के सब्जियों के हिसाब से इसमें विनेगर और सोया सॉस टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले चिकन को तंदूरी चिकन मसाला वो लगा के रख लेंगे और चावल को बॉईल कर लेंगे। हमने चावल को बॉईल होने रख दिया है। अब सबसे पहले हम चिकन में ये लहसुन जो रखा था इसे खिस खिस के 4 से 5 लहसुन इसमें डाल लेंगे खिस के। इस तरह से हमने 4 से 5 लहसुन इसमें डाल दिए। अब इसके बाद हम इसमें ये जो तंदूरी चिकन मसाला रखा था वो आधा इसमें, और आधा हम थोड़ा सा बिल्कुल 1/4 टीस्पून हम अंडों में डालेंगे फ्राई करते वक्त। उसके बाद इसमें हम नमक डालेंगे, नमक टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, अगर हमें लगेगा और तो हम और डाल सकते। फिर इसमें फिर हम बिल्कुल 1/4 टीस्पून उतना काली मिर्ची पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच में हम विनेगर लेंगे बिल्कुल 1/2 टेबलस्पून विनेगर, और 1/2 टीस्पून सोया सॉस, 1/2 टीस्पून सोया सॉस। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस तरह से मिक्स करके इसे 5 मिनट इसे रहने देंगे। इसके बाद इसे हम फ्राई करेंगे बाद में। फिर इसमें बाद में हम धुएं की स्मोकी खुशबू देंगे, जैसा हमने मंदी के इसमें दिए थे। तो आप हमारी रेसिपी मंदी की देख सकते हैं, उसमें हमने कोयले का धुआं स्मोकी खुशबू दी है, तो आप देख लेना आप मेरी रेसिपी। ये जो हमारे अंडे रखे थे हम इसे फेंट लेंगे अच्छे से। इसमें हम लहसुन नमक काली मिर्ची डाल के इसे फेंट लेंगे। 3 अंडे लिए हैं हमने, आप आपके हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं, अगर आप ज़्यादा डालना चाह रहे तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं।
हमने आधा किलो चावल के हिसाब से 3 अंडे लिए। इसके बाद हम इसमें ये जो लहसुन रखा था इसे खींच लेंगे, इसमें 2 से 3 कलियां लहसुन डाल लेंगे। हमने इसमें 2 कली लहसुन की डाल दी है। उसके बाद हम इसमें काली मिर्ची डाल देंगे, बिल्कुल चुटकी भर काली मिर्ची, और फिर नमक, नमक टेस्ट के हिसाब से डालेंगे हम। फिर इसे अच्छे से फेंट लेंगे और ये तंदूरी चिकन मसाला जो था वो भी इसमें डाल देंगे। हमने ये चावल को, ये बटाने जो रखे थे हमने, वो डाल के इसको बॉईल कर दिया। अब इसे हम अच्छे से गलने के बाद इसे निथार देंगे। हमने चावल को निथार दिया है और इसमें हमने तेल और थोड़ा सा बिल्कुल 1/4 कप पानी डाल के इसे हम दम देंगे। इसे 3-4 भाप निकले तक दम दे देंगे, 3-4 मिनट इसे ढक कर दम दे देंगे। इस तरह से ढक कर हम दम देंगे। चलिए हम ये सब्जियों को एक एक करके बघारेंगे। सबसे पहले इसमें हम तेल डालेंगे, इसके बाद ये जो हरी मिर्ची रखी थी ये डाल देंगे इसमें। अच्छे से गर्म होने में तेल को, ये मिर्ची हमारी अच्छे से फ्राई हो रही है इसलिए हम थोड़ा सा लहसुन खींच लेंगे। इसमें हम शिमला मिर्ची डाल देंगे सबसे पहले। इसके बाद इसमें हम नमक डाल देंगे। नमक आप चक्कर आपके हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से डाल। फिर इसमें हम बिल्कुल 1/2 टीस्पून विनेगर डालेंगे। और बिल्कुल 1/4 टीस्पून हम सोया सॉस डालेंगे, क्योंकि हम बाद में अगर हमें लगेगा तो चावल में मिलाते वक्त डालेंगे अगर हमें लगेगा। फिर इसको निकाल लेंगे हम। इसके बाद हम और 1 टेबल स्पून उतना तेल डाल के फिर और लहसुन थोड़ा सा खींच लेंगे। आप चाहे तो पूरे सब्जियां एक साथ भी डाल के बघा सकते हैं आप। बिल्कुल 2 लहसुन डाला है इसमें। सबसे पहले हम ये जो प्याज रखी थी तो इसमें से वाइट प्याज को पहले फ्राई होने देंगे, उसके बाद फिर ग्रीन डालेंगे। के बाद ये ग्रीन वाली भी डाल देंगे। फिर नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से, और विनेगर बिल्कुल 1/4 टीस्पून विनेगर डाल दें। विनेगर और सोया सॉस आप आपके हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा आप डाल सकते हैं। इसे भी हम निकाल लेंगे। उसके बाद हम इसमें और लहसुन डाल के फिर पत्ता गोभी डाल के निकाल लेंगे। लहसुन में खुशबू आने तक से भुनेंगे, फिर उसके बाद हमने ये जो पत्ता गोभी रखी थी वो डाल देंगे हम इस तरह से। भी याद रखें, आप फ्राइड राइस बना रहे हैं आप या ये नूडल्स बना रहे हैं तो आप ये पत्ता गोभी, शिमला मिर्ची और प्याज की पत्ती, बिनस की फली भी डालते हैं इसमें। हमारे पास नहीं थी, हमने नहीं डाले, अगर आपके पास है तो आप डालना बिनस की फली भी। इन सब मटेरियल को आप पहले बघार के एक कंटेनर में रख दे सकते हैं। सब मटेरियल बघार लेना और एक कंटेनर में एक जगह करके रख देना, और चावल उबाल के फिर आप तो जब भी खाना
इसको आप तब से मटेरियल मिला के तब से तब खा सकते हैं। नूडल्स को भी इसी तरह कर सकते हैं। ये मटेरियल को बगाड़ के आप एक कंटेनर में रख लें। चलिए इसमें अभी नमक डालेंगे। हमने बिल्कुल आधा टीस्पून विनेगर डालेंगे इसमें और बिल्कुल दो तीन ड्रॉप ही सोया सॉस डालेंगे, क्योंकि हम चावल में बाद में ही इतना लगा हम डालने वाले हैं, इसलिए हम इसमें अभी थोड़ा ही डाल रहे हैं, क्योंकि हमें सब्जियों का कलर फ्रेश रखना है, इसलिए हम इसमें कम डाल रहे हैं। फिर अगर हमें लगेगा तो हम और चावल में डाल सकते हैं। आप चाहे तो ऊपर से भी डाल के और खा सकते हैं सोया सॉस और विनेगर। जब आप फ्राइड राइस खा रहे हैं तब आप ऊपर से भी डाल के खा सकते। तो चलिए ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इससे भी हम निकाल लेंगे। हमने और एक टेबल स्पून उतना तेल लिया है। अब इसमें हम और लहसुन खींच के अब इसमें हम गाजर डाल लेंगे। हमें गाजर को बिल्कुल अधर ही फ्राई करना है। आप तीन कलर लाल और पीली शिमला मिर्ची भी आप ले सकते हैं अगर आपके पास है तो। इसमें हम बिल्कुल चुटकी भर लाल मिर्ची डाल रहे हैं, एकदम चुटकी भर, और इसे जल्दी से गाजर को इसमें डाल रहे हैं। हमने एक ही गाजर बड़े साइज का लिया था। अगर आपको और आप डालना चाह रहे तो आप और डाल सकते हैं। हमने बिल्कुल 1/4 टीस्पून विनेगर डाला है और 1-2 ड्रॉप बस सोया सॉस डालेंगे। बिल्कुल कम डाले हमने। तो चलिए ये हमारे गाजर भी अच्छे से हो गए हैं, इसे भी हम निकाल लेंगे। तो बहनों हमने इस तरह से ये सब अलग अलग बगार के निकाल लिया है। 2 से 3 टेबलस्पून उतना तेल डालेंगे। हम अंडा फ्राई करके निकाल लेंगे, फिर उसके बाद हम चिकन करेंगे फ्राई। सबसे पहले हम अंडा फ्राई करेंगे। अंडे के लिए थोड़ा ज़्यादा तेल डालेंगे हम। 3 से 4 टेबलस्पून उतना तेल डाल दिया हमने। ये जो हमने अंडा फेंट के रखा था, तेल को अच्छे से गर्म होंगे इसे इस तरह से डाल देंगे। और इस पे ऊपर से हम थोड़ी और काली मिर्ची का पाउडर भुरका देंगे, इसमें ब्लैक पेपर थोड़ा सा और ब्लैक पेपर डाल लेंगे हम। थोड़ी सी और काली मिर्ची डाल देंगे इससे। टोटल हमने इसमें 1/2 टीस्पून उतनी काली मिर्ची डाल दी। और कलरफुल बनाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा फ्रूट कलर डालेंगे, यानी कि ऑरेंज कलर डालेंगे। आप चाहे तो नहीं भी डाल सकते हैं, हम बस चुटकी भर इस तरह से इसमें डाल देंगे और जल्दी जल्दी से इसे मिक्स कर देंगे। चलिए ये हमारा अंडा अच्छे से फ्राई हो चुका है, इससे हम इसे भी निकाल के फिर हम चिकन को फ्राई करेंगे। और हम इसमें तेल डालकर अब चिकन को फ्राई करके निकाल लेंगे। तो ये सब अच्छे से कराओ, चिकन डाल देंगे। अच्छे से फ्राई होने देंगे। इसमें भी हम और ब्लैक पेपर डाल देंगे, काली मिर्ची,
एक तरफ से इसे अच्छे से होने देंगे। उसके बाद इसमें तरह से पलटा देंगे। थोड़े से इसमें हम बिल्कुल सॉल्ट टीस्पून वेनेगर डालेंगे, क्योंकि हमने इसमें चिकन को मसाला मिलाते वक्त भी वेनेगर और सोया सॉस डाला था, तो थोड़ा सा डाला हमने। तो अच्छे से फ्राई होने देंगे। फिर इसे भी एक प्याली में निकाल लेंगे। इसको भी हम फ्राई करके इसे एक कटोरे में निकाल के इससे फिर इसको हम कोयले की मतलब कोयले की स्मोक से खुशबू देंगे, जैसे हमने मंडी के चिकन को दिया। ये अच्छे से फ्राई हो चुका है हमारा चिकन, अच्छे से गल चुका है। तो सब इसे हम गैस बुझा के इसे निकाल लेंगे। हम सबसे पहले एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे। हम अभी सिर्फ तीन लोग के कुर्ते उतने चावल में सब्जी जो हमने फ्राई करके रखी थी मिक्स कर रहे हैं। आपके हिसाब से, अगर आप ज़्यादा लोगों का 4-5 लोगों के हिसाब से बना रहे हैं तो आप पूरे चावल में भी मटेरियल मिला सकते हैं। आप पूरे चावल में मटेरियल मिला के एक साथ मिक्स कर सकते हैं, जो हमने अलग अलग शिमला मिर्ची पत्ता गोभी और प्याज की पत्ती फ्राई करके रखी थी वो हम अभी 3 लोगों के हिसाब से इसमें मिक्स कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें चावल डालेंगे। हमने चावल ज़्यादा उबाल के रख दिए हैं। आपके हिसाब से चिकन और अंडे और सब्ज़ी आपके हिसाब से आप कम ज़्यादा ले सकते हैं। अगर आप सब्ज़ी ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप और सब्ज़ी भी पत्ता गोभी शिमला मिर्ची की क्वांटिटी और बढ़ा सकते हैं, और चिकन की और अंडों की भी आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप अगर आप चिकन ज़्यादा डालना चाह रहे तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। ये हमने 3 प्लेट के हिसाब से ले लिया है इसे चावल को, उसके हिसाब से हम इसमें ये जो चिकन का फ्राई करा हुआ तेल था वो भी इसमें डाल देंगे हम अच्छे से। एक एक करके सब सब्जियां मिक्स करेंगे। सबसे पहले गाजर लेंगे, फिर प्याज की पत्ती डालेंगे, फिर शिमला मिर्ची, उसके बाद फिर ये जो पत्ता गोभी रखी थी हमने वो डाल देंगे। इसे हम इस तरह से 2 चम्मच के अदरक से इसे मिक्स करेंगे। इस तरह से अब इसमें हम चिकन और जो अंडे रखे थे वो डाल देंगे। जो चिकन रखा था हमने ये डाल देंगे इसमें। और ये अंडे जो रखे थे हमने वो भी इसमें हम आधे डाल देंगे। याद रखिए बहनों, आप कभी भी फ्राइड राइस या नूडल्स बना रहे हैं तो उसको मटेरियल आप बना के
रख सकते हैं, 2-3 दिन भी रखे तो इसमें वेनेगर डालते हैं हम, तो इसलिए ये ख़राब नहीं होता। तो इसका आप मटेरियल बना के रखिए। आपके पास अगर सादे प्लेन चावल है घर में बचे हुए तो उससे भी आप फ्राइड राइस बना सकते मिक्स करके। इस तरह हमने इस पर धुएँ किस्मों के कुछ भी इसलिए दिए हैं कि इससे बिल्कुल हम होटल में जिस तरह बनते हैं इसमों की खुशबू के उस टाइप की खुशबू के लिए हमने इसमें धुएँ किस्म की खुशबू दिया। रेडीमेड की तरह हमारे फ्राइड राइस लगेंगे अगर आप इसमें धुएँ किस्मों की खुशबू देंगे। हमने बिल्कुल आधा टीस्पून मैंने सोया सॉस डाला है और अब है तो एकदम आधा टीस्पून वेनेगर डालेंगे। वेनेगर और सोया सॉस आप आपके हिसाब से चटकर डालें। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और आधा टीस्पून हमने इसमें वेनेगर डाला है और अच्छे से मिक्स कर देंगे। और थोड़ा सा और सोया सॉस डाल देंगे। हमें और कम लग रहे हैं तो हम इसमें थोड़ा और एक से दो चम्मच इतने चावल मिक्स कर देंगे इसमें। थोड़ा सा और तेल डालेंगे इसमें, एक टेबल स्पून तक और तेल डाला हमने। और बिल्कुल हल्का सा इसमें हम रूस कलर डालेंगे, येलो और ऑरेंज, इस तरह का ऑरेंज कलर हल्का सा। ये ऑप्शन है, अगर आप कलर खाना पसंद नहीं करते आप नहीं भी डाल सकते। ये येलो डाल हम इसमें बाद में इसलिए डाल रहे हैं कि हमें जितना चाहिए कलर बस उतना ही मिक्स करेंगे इसे। तो चलिए ये अभी हमारे फ्राइड राइस तैयार हो चुके हैं। अभी गैस को हमने बुझा दिया है, अब इसे हम एक प्लेट में निकालेंगे। लीजिए ये हमारे फ्राइड राइस तैयार हैं। इसे हमने 3 लोगों के हिसाब से बगा रहा था, आप आपके हिसाब से कम ज़्यादा डाल के बगा सकते हैं सब्जी और चिकन और अंडे की क्वांटिटी। तो चलिए बहनों, इसे आप घर में ज़रूर ट्राई करें, मुझे ज़रूर बताएं कैसे बना। अल्लाह हाफ़िज़।